ठीक है, अपने नेटबीन्स में आते हैं और आज हम लोग को पढ़ते हैं क्या कंस्ट्रक्टर। ठीक है, राइट क्लिक न्यू और यहाँ पे जावा क्लास, सीओ क्लास का नाम क्या होता है, कैप्टन, CONSTRUCTORPROD। ठीक है, और यहाँ से फिनिश करता हूँ। ठीक है, हमने क्या बना ली, एक क्लास बना ली, इसके अंदर क्या बनाऊंगा, कंट्रोल जेड, एक आपकी मेन मेथड बनाऊंगा, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, टाइप प्रेस किया, SOUT टाइप प्रेस करूंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट हो जाएगी क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे कुछ भी चेक कर लेना, जैसे प्रिंट करके हाई, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया कि नहीं किया पहले ये बताओ मुझे। देखो क्या होगी कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो जैसे कि आपको थ्योरी तो मुझे पता है कि सभी लोग को आती है, ठीक है, क्योंकि आप लोग MCA के स्टूडेंट हो, तो थ्योरी मतलब स्ट्रांग, हर एक चीज़ आपको पता रहती है सब चीज़ें, है ना। तो मुझे चाहिए कि आप लोग का प्रैक्टिकल भी अच्छा हो सब चीज़ें। ठीक है, क्लियर, तो आप लोग प्रैक्टिस किए कि नहीं किए आप लोग ये बताओ। शुभम आपने किया? ठीक है, गायत्री, महादेव, आप लोग फिर बोलते नहीं हो जब मैं नाम लेता हूं तो, आप लोग, रुतिक, संकेत, अब ये लोग बोलेंगे नहीं, विद्या, तनुजा, कोई नहीं बोल रहा है, सारे लोग चले गए हो क्या आप लोग यहाँ से? हाँ तो बोला करो, जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं पूछ सकता हूँ कि हाँ आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया है ना। ठीक है, देखो ये कितनी गर्मी में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, है ना, देखो जॉब करके 7:30, 10:30 लेके 7:30, फिर 7:30 से एक बैच, 7 बजे से मैंने बैच लिया, 7 से 8 वाली, फिर उसके बाद अभी मैं ले रहा हूँ बैच। ठीक है, तो देखो हो सकता था मैं घूमने भी जा सकता था, फिर उसके बाद कुछ और काम भी कर सकता था, फिर भी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ें बता रहा हूँ, है ना, क्यों, तो फिर आप लोग थोड़ा सा मेहनत किया करो ना, आप लोग भी, देखो सभी को जॉब चाहिए मुझे पता है ना, तो एटलीस्ट अभी जो टाइम है तो उसको आप लोग फोकस किया करो, समझे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए ना तो कर लेना। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में नोट्स। ठीक है, तो जो भी मेरा शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें थ्योरी नहीं मिलेगी, केवल क्या मिलेगी आपको, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर क्या होती है, और कंस्ट्रक्टर कितने टाइप होते हैं, देखो तो कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं, उसका क्या मतलब होती है। ठीक है, तो जो आपकी कंस्ट्रक्टर होती है, एक स्पेशल मेथड होती है, क्या होती है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होती है, जो कि क्या, किस लिए यूज की जाती है, डेटा मेंबर को, जितने भी डेटा मेंबर है उनके वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होती है, जिसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर का क्या होता है, जो भी नाम होता है सेम नाम क्या होते हैं, आपके कंस्ट्रक्टर जो आपके क्लास का नाम है सेम नाम होता है किसका, कंस्ट्रक्टर का होता है। इस सारे किसके प्रॉपर्टी थे, कंस्ट्रक्टर के थे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का मेन मकसद क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, क्यों क्रिएट करना, जो भी डेटा मेंबर है उनके वैल्यू को असाइन करना। ठीक है, क्लास के जो भी डेटा है, जो भी डेटा मेंबर्स है उनको क्या करना, इनिशियलाइज करना। ठीक है, हम लोग कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। देखो तो क्लास क्या है आपका, कंस्ट्रक्टर प्रोस। ठीक है, अब मुझे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करनी है, तो जो भी आपका क्लास का नाम है, तो क्लास का नाम और इसकी क्या होगी, ओनली ब्रैकेट, कंट्रोल वी, देखो हमने क्या किया, इसका कोई भी रिटर्न टाइप लिखा, वर्ड जैसे हम लोग मेथड बनाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, वर्ड यहाँ पे, और क्या करते थे, VOID, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते थे, कंस्ट्रक्टर, जो भी हमारा मेथड थी मेथड का नाम लिखते थे, बट हम कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, सीधा आपका जो क्लास का नेम होता है, क्लास का नाम, उसकी बॉडी। क्लियर, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पे इंट, ठीक है, इंट ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, मैंने क्या किया, वेरिएबल बनाया इसमें क्लास के अंदर,
ठीक है, कंस्ट्रक्ट प्रोज के अंदर। अब मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाई है एक, इसके अंदर मुझे क्या करनी है, वैल्यू को असाइन करना है। देखो तो इफ इक्वल टू क्या कर देता हूँ, 100, कितना ए में वैल्यू 100, बी में क्या कर देता हूँ 200 इक्वल टू 200 और सेमी कॉलन। ठीक है, हमने क्या किया, हमें चेक करनी है कि जो कंस्ट्रक्टर बनती है उसमें के थ्रू जो हमारा डिफिनेशन था, क्या कंस्ट्रक्टर क्या करती है, जो भी क्लास के डेटा मेंबर होते हैं उनकी वैल्यू को असाइन की करती है। ठीक है, तो क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर थे, क्या ए बी सी क्या हो गए, आपके डेटा मेंबर होंगे। ठीक है, अब जो कंस्ट्रक्टर बनाई तो हमें क्या करनी है, इसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, जब कंस्ट्रक्टर जब क्लास लोड होगी तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगी, तो उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, जो भी वेरिएबल्स में वैल्यू है क्या हो जाएंगे, वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो इसके बाद एक मेथड बनाता हूँ, देखो यहाँ पे void, ये क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है। ठीक है, void और यहाँ पे डिस्प्ले, DISPLE डिस्प्ले नाम के हमने मेथड बनाया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा। देखो देखो SOUT टैब प्रेस करता हूँ और दोनों वैल्यू को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ सम और यहाँ पे अभी देखो मुझे क्या करनी है, कंकिनेट करनी है। ठीक है, किसको, तो प्लस का साइन यूज करूंगा, ए प्लस बी को, ए प्लस बी, ए और प्लस बी को। ठीक है, तो देखो जब हमारी क्लास लोड होगी, कौन सी, कंस्ट्रक्टर प्रोज, तो उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्टर रन होगी, उसमें क्या हो जाएंगे, हमारी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएंगे। एक हमने मेथड बनाई क्या, कि डिस्प्ले करने के लिए, किसको, कि जो दोनों वैल्यू असाइन हुए हैं ऐड होके वहां पे शो करे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इसको कॉल करते हैं। क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ कंस्ट्रक्टर को। देखो तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इस वाले मेथड को कॉल करना है। देखो किसको, डिस्प्ले को। तो आपका डिस्प्ले जो मेथड है कैसा है, स्टैटिक मेथड है कि नॉन स्टैटिक मेथड है, डिस्प्ले स्टैटिक मेथड है कि नॉन स्टैटिक, तो नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं, चेक करता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनानी है, तो जो आपका क्लास का नाम है, क्लास का नाम, ठीक है, कंट्रोल वी, ओबीजे, ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्लास का नाम, ब्रैकेट सेमी कोलन, जो भी प्रॉपर्टी थी किसके अंदर, इस क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर प्रोज के अंदर, अब किसमें आ गई, ओबीजे के अंदर आ गई। ठीक है, अब देखो ओबीजे डॉट किसको कॉल करना है, मुझे डिस्प्ले को, डिस्प्ले को। ठीक है, राइट क्लिक और यहां से रन। देखो क्या आ गया, 100 और 200 आ गए। ठीक है, इसकी वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू 200, बट इसने क्या किया, दोनों को साथ ला दिया, तो इसको क्या किया, एज अ स्ट्रिंग लिया। ठीक है, अब मुझे दोनों को एडिशन करनी है, तो फिर मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग, किसको, मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको, 100 को और 200 को, तब जाके क्या आएगी, यहाँ पे एडिशन हो पाएगी। क्लियर, समझ गए आप लोग, तो हमें क्या आएगी, 100 और 200, तो एज ए स्ट्रिंग लिया, तो स्ट्रिंग 100 प्लस 200 स्ट्रिंग। क्लियर, तो देखो यहाँ पे क्या हुई, कंस्ट्रक्टर की वैल्यू अंदर इनिशियलाइज हो गई। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हुआ जब हमारी क्लास लोड हुई। तो क्लियर, यहाँ पे एक कंसेप्ट समझ में आई कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर क्या होती है, आपकी जो नाम क्लास की होती है, सेम नाम क्या होती है, कंस्ट्रक्टर की होती है। कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं, जो भी हमारे क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर है उनको वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, ये सारे इसके क्या है, कुछ मतलब मेथड्स हैं पहचान करने के। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के जब हम क्रिएट करेंगे तो ये चीज को हमें ध्यान में रखनी होती है। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर, बोलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टर कितने टाइप होते हैं। तो आपके कंस्ट्रक्टर दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, आपके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होते हैं पैरामेटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पहले भी तो हमारे वैल्यू इनिशियलाइज होते थे, पहले तो हम लोग नहीं बनाते थे कंस्ट्रक्टर, फिर भी क्या होता था, हमारा प्रोग्राम रन होता था, वैल्यू असाइन होती थी, क्या होती थी, हमारी प्रोग्राम रन होती थी और वैल्यू भी असाइन होती थी। तब उस टाइम पे कौन सी कंस्ट्रक्टर चलती थी, तो डिफॉल्ट वाली। ठीक है, अब डिफॉल्ट के भी अंदर दो कंस्ट्रक्टर होते हैं, कौन से, सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होती है यूजर डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो हम लोग दोनों को क्लियर करते हैं। ये हमने क्या, यूजर हम लोग खुद ने बनाया इसको। ठीक है, पहले क्या होती थी, बाय डिफॉल्ट वाली कंस्ट्रक्टर चलती थी, यूजर हमने डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर को। अब बनाते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
कैसा, उसमें हम लोग क्या करेंगे पैरामीटर को पास करेंगे। देखना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ सेम नाम से भी कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे पास करता हूँ आपका देखो वैल्यू, और यहाँ पे पास करता हूँ आपका इंट एक्स। तो मान लो यहाँ पे जैसे इंट एक्स कोमा इंट वाई, ठीक है। हमने क्या किया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था कैसे मेथड ओवर लोडिंग, कौन सा देखा था मेथड ओवरलोडिंग, जिसके अंदर क्या थे पैरामीटर सेम थे, पैरामीटर क्या था डिफरेंट, बट आपका जो मेथड का नाम क्या था सेम था, जिसको उसको क्या बोलते हैं मेथड ओवर लोडिंग। क्लियर। अब इसमें मुझे क्या करनी है, वैल्यू को असाइन करनी है। देखना आप लोग, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझानी है आप लोग को। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंट आपका आईडी, देखो इंट आईडी कर देता हूँ सेमी कॉलन, यहाँ पे इंट और यहाँ पे मार्क्स MARK, ठीक है सेमी कॉलन, और यहाँ पे भी क्या कर लेता हूँ आईडी, ठीक है, और पे भी मार्क्स MARK मार्क्स, और इसको क्या कर लो अभी डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। पैरामीटराइज एरर आती रहेगी अभी, ठीक है। अभी हमने क्या किया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, इसमें वैल्यू को असाइन करनी है, ठीक है। देखो तो मैं क्या करूँ, इसको कॉल करूँ किसको कंस्ट्रक्टर को, जो आपका क्लास का नाम है, फिर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबी इक्वल टू न्यू कीवर्ड, ठीक है। अब इसमें पैरामीटर कितने पास करने पड़ेंगे, दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, कितने दो, देखो एक में पास कर देता हूँ आईडी में आपका हंड आपका 101 कोमा जो आपका मार्क्स है 95, ठीक है, और यहाँ पे सेमी कोलन, तो क्या हो जाएगी ये वाली कंस्ट्रक्टर हमारी क्या होगी कॉल होगी किसके। अब मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यू को असाइन करना है, ठीक है, क्लियर। देखो अब एक मैं मेथड बनाता हूँ void display display, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, इनकी वैल्यू को दिखानी है, ठीक है। यहाँ पे यूज करता हूँ id इक्वल टू, जो भी id में वैल्यू आ रही है id में आ जाए सेमी कॉलन, और यहाँ पे यूज करता हूँ मार्क्स, ठीक है, मार्क्स इक्वल टू MARKS, ठीक है। जो भी हम यहाँ से क्या भेज दे रहे हैं वैल्यू, यहाँ पे तो वैल्यू यहाँ पे गई आईडी में 101 और आपके मार्क्स में क्या गया 95, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया किसमें आईडी में, और इसको कॉपी किसमें कर लिया मार्क्स में, ठीक है। अब दोनों को वैल्यू को देखते हैं, तो SOUT टैब प्रेस करता हूँ, SOUT टैब, और यहाँ पे किसको आईडी, आपका आईडी कितना है, ठीक है, और यहाँ पे SOUT टाइप प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे टाइप करता हूँ MARKS मार्क्स आपका प्लस क्लियर। तो देखो हमने क्या किया, जो भी वैल्यू हमने इसके पिछले बार में क्या किया कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसे, उसको मैंने तो डिलीट कर दिया, ठीक है। अब समझ लो यहाँ से कि हमने क्या किया था, ए में वैल्यू को 100 रखा था, बी में कितना रखा था 200, तो वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करी थी किस मेथड को चला के डिस्प्ले वाली को, ठीक है। यहाँ पे भी कॉल करता हूँ किसको डिस्प्ले मेथड को, ठीक है। तो ओबी ओबी डॉट किसको डिस्प्ले, सेव करता हूँ, तो हमें प्रिंट होना चाहिए, राइट क्लिक और यहाँ से रन, देखो आईडी क्या आ गई आपकी 0 आ गई, मार्क्स क्या आ गए आपके 0, राइट क्लिक यहाँ से रन, ठीक है। आपको स्पेस मिल जाए, थोड़ा सा देखते हैं, दिख रही है ना अभी आउटपुट सभी को, देखो आईडी क्या आया 0 आया, मार्क्स कितना 0, ये तो गड़बड़ हो गई। सभी को दिखा प्रॉब्लम क्या आया, हमने यहाँ से सेंड किया 101, ठीक है, और यहाँ से क्या सेंड किया 95, यहाँ पे क्या गई 101 और यहाँ से 95, इसमें मैंने वैल्यू को क्या कर लिया इनिशियलाइज कर लिया। तो कंस्ट्रक्टर का क्या काम होती है, जब भी हमारी क्लास लोड होती है तो जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी क्लास के अंदर जो भी डेटा होते हैं मेंबर, उनको क्या करना होता है इनिशियलाइज करना होता है, तो यहाँ पे क्या कर लिया इनिशियलाइज कर दिया। बट जब हमने भी इसको प्रिंट किया तो क्या एरर आ गई आपकी 0 0 दिखा रहा है, तो गड़बड़ हो रही है, बोलिए आ रही प्रॉब्लम समझ में सभी को। हाँ दिस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो
अब समझते हैं दिस कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे समझना है दिस और सुपर। इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट थे दिस की व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड सुपर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो देखो आप लोग कैसे समझाओगे, तो पहले प्रॉब्लम बताना आपको जो इंटरव्यूअर होगा, जैसे कि हाँ कहने मतलब कि क्या मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ, तो प्रोग्राम करके ये बताना कि देखिए कि सर यहाँ पे ये मतलब प्रॉब्लम आती है, एरर आती है क्यों, तो जो आपका जावा है ठीक है, इसने क्या किया जो भी वैल्यू होता है उसको कैसे इनिशियलाइज कर देता है, जीरो से इनिशियलाइज कर देता है, बाई डिफॉल्ट किससे जीरो से, ठीक है। तो वही वैल्यू आ रही है, तो मुझे चाहिए कि जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं इंस्टेंस, जो इंस्टेंस है वेरिएबल्स, इसके अंदर जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो वैल्यू हमें मिले, तो इसके लिए मुझे पास करनी पड़ती है दिस कीवर्ड, यहाँ पे दिस डॉट आई डी। इसका मतलब होती है कि जो हमारी करंट ऑब्जेक्ट, करंट क्लास, करंट ऑब्जेक्ट जो भी हमारी करंट वेरिएबल्स है ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल, उसको मुझे एक्सेस करनी है। यहाँ पे क्या यूज किया दिस डॉट आई डी और दिस डॉट मार्क्स, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आईडी कितनी आ गई 101 और मार्क्स 95। तो प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों समझ भाई। तो दिस किस लिए यूज करते हैं, तो दिस हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। सभी लोग क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन, तो जो दिस होती है इंस्टेंस वेरिएबल के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल कौन है, आईडी है यहाँ पे और मार्क्स है, ठीक है, न कि जो आपका ऊपर जो आपके क्लास में है उसको हमें एक्सेस करनी है, किसको, जो हमारी करंट है, करंट आपकी वेरिएबल्स है उसको एक्सेस करनी है इंस्टेंस को, तो हमें क्या यूज करनी पड़ती है दिस। अब इसी के बाद मुझे यहाँ पे मैंने क्या किया आई डी इक्वल टू यहाँ पे यूज कर दिया आपका 200। अब यहाँ पे तो आएगी दिक्कत नहीं, ठीक है, अभी ये तो हम लोग सेम क्लास के अंदर है, ठीक है ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब थोड़ा सा आगे कंसेप्ट पढ़ता हूँ, है ना। अब मैं क्या करता हूँ एक अलग क्लास बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, एक क्लास और यहाँ पे बना देता हूँ बीबी, ठीक है, इसकी मैंने बॉडी दे दी। अब मुझे क्या करनी है यहाँ पे इंट आई डी इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे क्या 200 200 और सेमीकोलन, ठीक है। अब मुझे इस चीज को एक्सेस करनी है, क्या करनी है मुझे इस चीज को एक्सेस करनी है, तो देखो एक क्या होगी क्लास अलग क्लास होगी, एक क्लास होगी अलग क्लास, ठीक है। तो देखो एक क्लास की प्रॉपर्टी हमें दूसरे क्लास में लाते हैं, तो उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस, क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो हमारा क्या हुआ आपका कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हुआ, अब हम लोग क्या किस पे चलेंगे दूसरे टॉपिक पे, इनहेरिटेंस पे, क्लियर। तो कंस्ट्रक्टर में किसी को डाउट किसी को क्वेश्चन तो पूछिए। तो कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के, दो टाइप के, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होती है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो हमने डिफॉल्ट देख लिया और पैरामीटर वाले वही देख लिए, ठीक है। तो पैरामीटर में हम लोग क्या पास करते हैं दिस वाले, जब हमें इंस्टेंस आपके वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, तो हम क्या पास करते हैं दिस, एक कंसेप्ट यूज की जाती है ऐसे। तो प्रोग्राम में समझने में किसी को दिक्कत, हाँ जावा कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है, ठीक है, उसको भी देख ले। ठीक है मैं फिर से एक बार इसका मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं पहले इरर सल इरर लाता हूँ, राइट क्लिक यहाँ से न्यू और यहाँ पे जावा क्लास यूज करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ टी एच आई एस, ठीक है, दिस और यहाँ पे सी ओ एन एस टी, ठीक है, कॉन्स्ट और पी आर ओ जी, मैं इस टाइप का कुछ नाम दे दिया है ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया और यहाँ से फ्रेस करता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा डिलीट कर दिया, ठीक है। अब एक क्या होगी आपकी क्लास बन गई, क्लास में क्या होना चाहिए मेन मेथड होना चाहिए, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, टाइप प्रेस किया तो हमारी क्या होगी मेथड आ गई, कौन सी मेन मेथड, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है कंस्ट्रक्टर बनानी है, किस टाइप की पैरामीटराइज, तो जो भी आपका क्लास का नाम है सेम नाम वो होती है कंस्ट्रक्टर का, तो दिस सी ओ एन एस टी और पी आर ओ जी ब्रैकेट, ठीक है, इसकी बॉडी हमने क्या किया कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे पैरामीटर पास करेंगे, तो क्या करूँ मैं पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ यहाँ पे इंट कर लेता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ भी जैसे रोल नंबर, ठीक है, रोल और यहाँ पे आपका क्लास, ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ
सेक्शन ए सी सी टी आई वन से, ठीक है सेक्शन, और हम वहाँ यहाँ से वन वन टू इलेवन लेंगे, ठीक है, जो भी है सेक्शन, और इसे पास कर दो तो आपका इंट रोल, ठीक है, कोमा इंट सेक्शन ए सी सी टी आई वन, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, एक मेथड बनानी है वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, डी आई एस पी एल ए वाई डिस्प्ले मेथड बनाई। अब मुझे क्या करनी है, इस दोनों वैल्यू को हमें दिखानी है यहाँ पे, तो मैं क्या कर लूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल कर लूँ किसको, तो दिस सी ओ एन एस टी पी आर ओ जी, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दो ओ बी जी वन कर बना देता हूँ, इक्वल टू न्यू कीवर्ड दिस टी एच आई एस दिस सी ओ एन एस टी पी आर ओ जी, ठीक है, और ब्रैकेट सेमीकोलन। अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करनी है, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं रोल नंबर दे देता हूँ आपका 25, ठीक है, कोमा जो आपका सेक्शन है यहाँ पर 12 कर देता हूँ, ठीक है, सेक्शन 12 और रोल नंबर 25, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको प्रिंट करूँ किसको, आपका सेक्शन को और आईडी को, तो एस ओ यू टी टाइप प्रेस करता हूँ और यहाँ पर डाल टाइप कर देता हूँ रोल नंबर, ठीक है, रोल इसको मुझे क्या करनी है, कंकिनेट करनी है, ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग हो गई और आपके क्या हो गए, आपके वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे टाइप करता हूँ रोल आर ओ डबल एल, ठीक है। तो मुझे क्या करनी है, जो भी वैल्यू यहाँ से हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करनी है, कॉपी कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे तो रोल में कर लेता हूँ आर ओ डबल एल इक्वल टू किस में सेमी कॉलन, ठीक है, इंटर सेक्शन में, और यहाँ से क्या कर लेता हूँ सेक्शन ए सी सी टी आई वन सेमीकोलन, ठीक है। मैंने यहाँ पे 25 सेंड किए, कहाँ से गई, यहाँ से 25, यहाँ से यहाँ गई रोल नंबर में, रोल नंबर से कॉपी हो गई किस में हो गई रोल नंबर में, ठीक है, आपके माइंड में ऐसा चल रही होगी, फिर इसमें सेट हो गई कितनी 25, ठीक है, फिर यहाँ से हमने क्या किया पास 12, फिर 12 कहाँ पे गई, इस वाले कंस्ट्रक्टर पे, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर नाम है कॉल किया हमने दिस, तो कंस्ट्रक्टर हमें पैरामीटर पास करने पड़ती इस कंस्ट्रक्टर में, तो सेक्शन में गई 12, ठीक है, आपके माइंड में चला कि 12 क्या हो गई, कॉपी हो गई इसमें, ठीक है, तो जो लेफ्ट इसका इक्वल टू का मतलब होता है, जो भी आपके राइट साइड में वैल्यू है, जो भी चीजें हैं राइट साइड में, किसमें कॉपी हो जाए, लेफ्ट वाले में कॉपी हो जाए, ठीक है, तो इसमें आपके माइंड में गया कि ये चला गया 12, ठीक है, इसमें क्या आ गया आपके माइंड में कि 26 आ गया, इसमें क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखो यहाँ पे तो एस ओ यू टी टाइप प्रेस करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ सेक्शन ए सी सी टी आई वन सेक्शन। अब मुझे क्या करनी है, इसको कंकिनेट करनी है, कंकिनेट किया और सेक्शन, ठीक है, सेक्शन डाल दिया। अब मैं क्या करूँ, किस मेथड को कॉल करूँ, डिस्प्ले को, ठीक है, तो ओ बी जे वन, ओ बी जे वन डॉट डिस्प्ले, ठीक है, राइट क्लिक और यहाँ से रन, देखो रोल नंबर क्या आ गई 0 आ गई, सेक्शन में क्या आ गया 0 आ गया, तो ये प्रॉब्लम है किसमें, इस वाले प्रोग्राम में जब हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन है कि मुझे जो वैल्यू यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, तो जो इसकी करंट वैल्यू है इंस्टेंस है ना, उसको एक्सेस करनी है, तो उसको एक्सेस करने के लिए दिस कंसेप्ट आया, कौन सा कंसेप्ट, दिस दिस, ठीक है, ये आपको हर एक, आपको जावा भी पढ़े हुए वहां पे भी मिलेगी, जावा स्क्रिप्ट, जावा तो हम लोग पढ़ ही रहे, जावा स्क्रिप्ट में भी मिलेगी, रिएक्ट में भी मिलेगी, ये चीजें सारी चीजें कौन सा दिस, आप यूज करना दिस डॉट, ठीक है। अब जो भी आपका रोल नंबर है उसमें क्या हो जाएगी, वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ पे यूज करता हूँ दिस डॉट। अब इसको एक्सेस करेगा कैसे, एज अ इंस्टेंस वेरिएबल, राइट क्लिक और यहां से देखो, हाँ हमने यहाँ से क्या भेजा 25 और यहाँ पे 12, तो ये वाला वैल्यू हमें मिल रही है, कौन सी, जो हम अपने कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं, क्लियर क्लियर सब, आगे बढ़े, ठीक है। तो देखिए जावा में कोई भी कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होती है, बट हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, किसमें, जावा में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ क्लास का नाम जावा क्लास सी ओ पी सी ओ पी, ठीक है,
PROG, ठीक है PROG, ठीक है इंटर। हमने क्या किया, आपका क्लास क्रिएट कर लिया कॉपी प्रोज, ठीक है प्रोग्राम, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे क्या लिखूँ, SOUT, एसओ नहीं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। हमने क्या किया, मेन मेथड क्रिएट कर लिया किसके थ्रू, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के थ्रू, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, कंस्ट्रक्टर बनानी है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, आपका कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ, इंट आईडी, ठीक है, और यहाँ पे इंट मान लो मुझे नेम लेनी है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ नेम, तो इस बार स्ट्रिंग टाइप कर लेता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे नेम, ठीक है सेमी कोलन। हमने क्या किया, वेरिएबल ले लिया किस टाइप का, एक इंटीजर टाइप का, एक स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं पैरामीटर बनाता हूँ, ठीक है। देखो कैसे, तो जो भी आपका क्लास क्लास का नाम है वही नाम क्या होना होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, तो COPYPROG, ठीक है, और इसकी बॉडी, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करूँ, पैरामीटर पास करूँ, तो देखो इंट आई मैं जैसे डाल देता हूँ आई, और यहाँ पे स्ट्रिंग STRING, और यहाँ पे डाल देता हूँ एन, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, आईडी में जो भी है कौन सा कॉपी हो जाए आई चला जाए सेमी कॉलन, और जो आपका नेम में है क्या चला जाए आपका एन, क्लियर। इतना समझने में कोई दिक्कत, अभी हमने क्या किया, केवल वेरिएबल क्रिएट किया एक इंटीजर टाइप की एक स्ट्रिंग टाइप की, फिर हमने क्या किया कंस्ट्रक्टर बनाई जिसमें हमने वैल्यू क्या पास करी, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग, ठीक है। जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ से पास करेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है, वो मेथड कॉल होकर जो कंस्ट्रक्टर कॉल होकर वैल्यू यहाँ पे आके इसमें इनिशियलाइज हो जाएगी आईडी में और नेम में, क्लियर, ठीक है आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखते हो क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है, वर्ड डिस्प्ले, ठीक है, कुछ भी आप लोग मेथड बना लेना, ठीक है। यहाँ पे वर्ड डिस्प्ले DISPLAY डिस्प्ले उसकी बॉडी, ठीक है। अब मुझे इसको प्रिंट करनी है, किसको, आईडी को और नेम को, तो SOUT टाइप प्रेस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपका आईडी। देखो फर्स्ट में आईडी स्मॉल से है ना आईडी, इसको कंकनेट भी कर देता हूँ, कंकनेट किया और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आईडी, ठीक है, इसको भी कंकनेट कर दूँ, तो देखो प्लस का साइन यूज करूँगा, फिर डबल कोट, ठीक है, इसके बाद फिर प्लस, इसके बाद फिर मैं क्या टाइप कर दूँ नेम। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, आई आई झुके ना यहाँ पे आईडी। कंकनेट में कैसे करते हैं, जब भी आप लोग कंकनेट करोगे ना तो यहाँ पे प्लस का साइन दे देना, और यहाँ पे जैसे खाली स्पेस के लिए, जैसे मुझे यहाँ पे आईडी है और यहाँ पे नेम है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करनी है, प्लस की साइन देनी है और यहाँ पे डबल स्पेस डाल दो यहाँ पे, ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेट हो जाएगी, क्लियर। अब आता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करके वहां पे वैल्यू पास करता हूँ, देखो आपका कंस्ट्रक्टर का नाम है कॉपी प्रोज, तो देखो COPYPROG, ठीक है, इसकी मैं क्या करता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ OBJ2 करके, जैसे कुछ भी बना लो यहाँ पे OBJ2 और COPYPROG, ठीक है, और इसे मैं पास कर देता हूँ आपका आपका यहाँ पे 101 पास कर देता हूँ, ठीक है, कॉमा, और आपका नेम में जैसे यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जावा बॉयज, ठीक है, और यहाँ पे इसका सेमी कॉलन, कॉपी स्पेलिंग गलत हो गई क्या, क्रिएट मेथड, ठीक है, इंट जावा डॉट लैंग डॉट इन कॉपी प्रोस, ठीक। अब देखो मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे इसकी क्लास को कॉपी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपका पास करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ आपका कंस्ट्रक्टर COPYPROG, ठीक है, और यहाँ पे पास करूंगा आपका क्या जो भी कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के यहाँ पर का COPYPROG, और यहाँ पे पास कर देता हूँ कॉपी इसकी बॉडी, कंट्रोल जेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें मैं कॉपी करूंगा इसके थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे करता हूँ देखो कैसे, यहाँ पे कॉपी प्रोज,
यहाँ पे इंटीजर और यहाँ पे स्ट्रिंग यही, ठीक है। यहाँ पे हमने आपका क्या क्या मेथड क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसके थ्रू कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी प्रोज के थ्रू। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका कॉल करता हूँ किसको, मेथड को, ओबीजे, ओबीजे टू डॉट किसको, डिस्प्ले को, ठीक है, यहाँ से डिस्प्ले को कॉल किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पास करता हूँ किसको, तो देखो कॉपी प्रोज सी ओ पी वाई पी आर ओ जी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे, ओबीजे थ्री इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे कॉपी प्रोज सी ओ पी वाई पी आर ओ जी, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा किस वाले, ये वाला ऑब्जेक्ट ओ बी जे टू को सेमीकोलन, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ से कॉल करूँ किसको, ओबीजे, कैन नॉट फाइंड अ मेथड कॉपी सिंबल स्ट्रिंग, यहाँ पे न्यू कीवर्ड छूट गई है ना, आप लोग बोल भी नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, एक न्यू कीवर्ड के थ्रू क्या किया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, सेव करते हैं। हमें क्या करना है, कॉपी करवानी है, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट पास की है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी को कॉपी करेंगे, ठीक है। देखो अभी ऐसे मैं कॉल करता हूँ किसके थ्रू, इसको मैं डिलीट कमेंट करता हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट टू के थ्रू डिस्प्ले मेथड को कॉल करता हूँ, ठीक है। कहाँ हुआ है, डिस्प्ले मेथड, राइट, अभी बिना मैंने कॉपी किए हुए, राइट क्लिक, और यहां से क्या करता हूँ, कॉपी आदि रन फाइल्स, देखो आईडी में क्या की 101 आईडी और यहाँ पे जावा बॉयज, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहां से, देखो कैसे कॉपी होगी यहाँ पे, तो मुझे आईडी में कॉपी करनी है, आईडी इक्वल टू कॉपी डॉट आईडी सी ओ कॉपी डॉट आई डी सेमीकॉलन, और यहाँ पे नेम में कॉपी करनी है, नेम इक्वल टू कॉपी डॉट नेम, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या हो जाएगी, हमारी कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसे रन होगी, है ना। तो अब इसको देखो मैं क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट मैंने थ्री बनाई है। अब इसके थ्रू मैं कॉल करता हूँ किसको, ओ बी जे थ्री डॉट किसको, डिस्प्ले को, सेव, राइट क्लिक और यहां से रन। तो आप लोग कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो एक क्लास के, देखो यहां पे भी, अब देखो यहां पे मेथड समझना है ना, देखो हमने क्या किया, पास किया था यहां पे 101, और यहां पे क्या पास किया था आपका नाम, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको एक ऑब्जेक्ट में क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सारे जो भी मैथ आपके वैल्यू आपके जो भी आपके इस क्लास के अंदर आपके डेटा मेंबर से मेथड से जो भी सब चीज़ें थी किस में आ गई, ओबीजे टू में आ गई, ठीक है। इसके मदद से हेल्प से मैंने क्या किया, किसको कॉल किया, डिस्प्ले को कॉल किया, किसको, डिस्प्ले मेथड को, ठीक है। एक मैंने बनाई क्या, कंस्ट्रक्टर बनाई, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर तो होती नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ये भी क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। देखो क्लास का नेम सेम जैसा है, ठीक है। इसमें क्या बनाया मैंने, कॉपी प्रोज कंस्ट्रक्टर, और इसके मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। उसी के थ्रू मैंने क्या किया, कॉपी डॉट आई टी कॉपी डॉट नेम, ठीक है, यहाँ से जो मैंने पास किया ऑब्जेक्ट उसके थ्रू क्या कर लिया, मैंने कॉल करके उसको कॉपी कर लिया, देखो 101 यहाँ पे और यहाँ पे जवाब वॉइस, देखो कॉल हुई, तो आपकी क्या थी, कॉपी कंस्ट्रक्टर थी। कॉपी कंस्ट्रक्टर होती नहीं, बस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं, क्लियर, समझ में आई, आप लोग इसको प्रैक्टिस करना तो फिर जाकर समझ में आ जाएगी। आगे बढ़े, ठीक है, तो दिस वाली प्रॉब्लम ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, किस पे, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहां पे क्लिक करता हूं, राइट क्लिक, और यहां पे आता हूं न्यू, और यहां पे जावा क्लास आई एन ए जी आर आई टी एन सी पी आर ओ जी, ठीक है। तो देखो उप्स कंसेप्ट आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है, कौन सा,
तो इसमें आप लोग अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओ, किसमें, ऊप्स कंसेप्ट में, क्योंकि आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हो, जावा, ठीक है। कुछ दिन बाद मान लो जैसे कि वेब टेक्नोलॉजी पे जाओगे, तो वेब टेक्नोलॉजी तो आना ही चाहिए सभी को, ठीक है। वहां पे जब जावा स्क्रिप्ट यूज करोगे तो वहां पे भी आपको क्या मिलेंगे, ऊप्स कंसेप्ट मिलेगा। वहां पे भी सबको आपको इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, सब चीज मिलेगा। फिर आप पाइथन उठा लो तो पाइथन में भी सारे ऊप्स कंसेप्ट मिलेंगे, ठीक है। जो भी आप लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली उठा लो अच्छी है, वो सारे उसमें क्या फॉलो होते हैं, ऊप्स कंसेप्ट फॉलो होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जब एक क्लास की प्रॉपर्टी हमें दूसरे क्लास में लानी होती है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो भी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है अगर हम उसको चाइल्ड में यूज करना चाहते हैं तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जाओ, आपके इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, ठीक है, जो कि मल्टी लेवल सपोर्ट नहीं करती है, बट हम लोग इंटरफेस के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, 100% आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं, क्लियर। ये भी आपसे जावा में, जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ जाता है, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे बताना होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कैसे उसको अचीव करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे देख लेंगे सब चीजें, फिर आपको कैसे एक्सप्लेन करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आप हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस कितने टाइप होते हैं, जावा में बताना कि सिंगल लेवल, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल और हाइब्रिड, ठीक है। तो जो आपको मल्टी मल्टी लेवल आती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे तो इसके अंदर बना लो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, टैब प्रेस किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाता हूँ, क्लास क्लास, और यहाँ पे डालता हूँ ए, इसकी मैंने बॉडी दे दी, ठीक है। यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ वॉइड, और यहाँ पे यूज करता हूँ डिस्प्ले, ठीक है, DISPLAY मेथड। और इसके अंदर क्या करता हूँ, SOUT टैब प्रेस किया, SOUT टैब, और यहाँ पे टाइप करता हूँ आपका क्या, बेस क्लास, ठीक है, ठीक है। आपकी क्या हो गई, आपकी ये बेस क्लास हो गई। एक मैं दूसरा और क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास और बी, ठीक है। इसमें मैं मेथड डालता हूँ रिक्वायर्ड डिस्प्ले, DISPLAY 1, और यहाँ पे इसकी बॉडी, और यहाँ पे टाइप करता हूँ SOUT टाइप प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे टाइप करता हूँ चाइल्ड, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, क्लास क्रिएट किया ए, और क्लास क्रिएट किया बी, ठीक है। मुझे इसकी प्रॉपर्टी कहाँ लानी है, बी में लानी है, ठीक है। जब मुझे किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में लानी होती है तो हमें यूज करनी पड़ती है एक्सटेंड्स कीवर्ड का, कौन सा, EXTENDS, ठीक है, किसको करनी है, ए को। तो जो भी अब ए की प्रॉपर्टी थी अब हम किस में यूज कर सकते हैं, बी में यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो अब क्या करूंगा, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देखना, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, OB इक्वल टू न्यू कीवर्ड बी, और यहाँ पे इसकी बॉडी, इसकी ब्रैकेट सेम करूँ, ठीक है। अब किसको किसको कॉल करूँ, इसको कॉल करता हूँ, किसको, डिस्प्ले को। तो देखो OB डॉट डिस्प्ले, किसको, डिस्प्ले को कॉल किया, सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहां से रन, देखो यहां से मैंने किसको कॉल कर लिया, बेस क्लास को, क्लास बी से किसको कॉल किया, क्लास ए को, किसके थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू। तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, एक्सटेंड्स का, एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया। जब हमें एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में यूज करनी होती है तो हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं, क्लियर। अब इसके थ्रू मैं किसको कॉल कर लूँ, OBJ डॉट डिस्प्ले वन को, सेव, राइट क्लिक और यहां से रन, हेलो, 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 आवाज आ रही है मेरी, मेरी वीडियो कट हुई है क्या, स्क्रीन पता नहीं, नेट भी तो सही चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ। देखो फिर से मैं बताता हूँ यहाँ पे, है ना, देखो मैंने क्या क्या क्लास ए बनाया, ठीक है,
इसके अंदर हमने क्या किया, एक मेथड बनाई डिस्प्ले नाम की, ठीक है। उसमें मैंने कुछ भी प्रिंट कर दिया यहाँ पे, कुछ भी इस मेथड का वर्किंग होगा, जो भी होगा एक्स वाई जेड, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, कुछ भी प्रिंट करके यहाँ पे दिया है बेस क्लास, ठीक है, जो आपका मेन क्लास है, ठीक है, क्लास है। अब मैंने क्या किया, दूसरा क्लास बनाया बी। अब मुझे चाहिए कि जो आपकी ई के अंदर प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करनी है, ठीक है। जब हमको ई की प्रॉपर्टी को बी में लानी होती है तो हम लोग किस कीवर्ड का यूज करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अब जब एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया तो जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टी थी अब किस में आ गई, बी में आ गई, ठीक है। अब बी का ऑब्जेक्ट बनेगी, बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ई का मेथड को कॉल कर सकते हैं, बी के मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये कंसेप्ट होती है इंटेंस की, ठीक है। तो हमने क्या किया, बी का ऑब्जेक्ट बनाया ओ बी, ठीक है, न्यू कीवर्ड, फिर उसके बाद यहाँ पे बी, अब किस में प्रॉपर्टी आ गई, ओ बी में आ गई। तो इसके बाद हमने कॉल किया क्या, ओ बी डॉट डिस्प्ले, तो ओ बी डॉट डिस्प्ले को कॉल किया, तो देखो क्या आई, बेस क्लास। देखो यहाँ से कौन सा कॉल हुआ, हमारा डिस्प्ले वाली मेथड, बेस क्लास वाली, क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ओबी डॉट डिस्प्ले वन, तो जो आपका चाइल्ड वाला क्लास था कौन सा, बी, तो उसके अंदर जो मेथड थी वो हमारी कॉल हुई, कौन सा, चाइल्ड, क्लियर। आई समझ में, ठीक है। तो किसी को पूछना है इसमें, अभी हमने जो पढ़ाई किया इसके बारे में, कंस्ट्रक्टर आपका कॉम्पी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं दूसरे कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, दूसरे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, क्लियर, ठीक है। तो हम लोग क्लोज करते हैं यहाँ पे क्लास, ठीक है, फिर आगे हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आगे अभी फिर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आपका सुपर, पढ़ेंगे सुपर विथ वेरिएबल, सुपर विथ फंक्शन, सुपर विथ आपका कंस्ट्रक्टर, ये तीन चीज आपको इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू लेवल से, इंटरव्यू के क्वेश्चन से, ठीक है।